वेलकम टू आनंद टेक एंड एक्सकेवेटर करोलबाग दिल्ली। आज मैं आपको बताऊंगा केटीएम बेंच के बारे में। तो हमारे पास जो ये केटीएम बेंच है, ए प्लस प्लस क्वालिटी है। नया डोंगल, अभी पावरफुल डोंगल आ गया है मार्केट के अंदर 1.20 वर्जन के साथ। काफ़ी बेहतरीन अच्छी डिवाइस है। इसके अंदर आपको बेनिफिट ये है कि आपको बिना खुले ECM रीड एंड राइट होता है। तो कौन सी गाड़ी का बिना खुले ECM रीड राइट होता है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आगे मैं आपको काम करके भी दिखाऊंगा। एकदम इजी है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोग अभी इसके अंदर बहुत ही चीटिंग फ्रॉड करके दे देते हैं, ये दोगे वो दोगे सपोर्ट देंगे फाइल दोगे ये दोगे। उसके लिए मैं ये बता देता हूँ, कोई की किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं। सेल्फ डिफेंस बनवाओ, ठीक है। आप अपने आप को खुद तैयार करो, दूसरों पे क्या ऐसे हाथ फैला के बैठे रहे हो। आप अपने आप को खुद तैयार करो। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कैसे काम होता है, कैसे आपको काम करना है। एकदम इजी टू यूज़ है, सेफ कुछ उसके अंदर सेफ साइड है। मैं बताऊंगा कैसे इस पर काम करना है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको अगर कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सॉकेट भी है हमारे पास रेडीमेड, वो भी आप ले सकते हैं। नए वायरिंग डायग्राम भी हम आपको देंगे। किसी को अगर कुछ फाइल की ज़रूरत पड़ गई तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम फाइल देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी टू यूज़ है, बिना खुले ECM रीड एंड राइट होता है। आपको चलाना इजी है, कोई सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। रास्ता दिखा दिया आपको तो आप खुद चल सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें सर्विस सपोर्ट ये फाइल वो फाइल फलानी फाइल धिमकी फाइल कोई आलतू फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ इसके जो काम करने के तरीके हो मैं आपको एकदम इजी बता दूंगा। ये वीडियो अपना कंटिन्यू रहेगा, इसके साथ ही मैं आपको वीडियो में ज्वाइन करके बताऊंगा। एक 4-5 ECM रीड एंड राइट करके बताऊंगा। एकदम इजी है, कुछ भी आपको डरना नहीं है काम करने के समय, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा, ये कुछ कस्टमर बोलते हैं फाइल सपोर्ट मिलेगी। अरे फाइल सपोर्ट क्या, आप एक दूसरे की फाइल कैसे डाल सकते हो। अगर वर्जिन फाइल है तो चलेगी, वरना विन नंबर मैचिंग का महिंद्रा के अंदर प्रॉब्लम आता है। कुछ कुछ गाड़ियों में विन नंबर का प्रॉब्लम आता है, वो सब प्रॉब्लम है। पासवर्ड का प्रॉब्लम आएगा आपको, आप उसमें ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ज़्यादातर बेटर यही है कि आप अगर आपके पास ECM आता है तो आप उसको रीड करें राइट करें, हो गया आपका काम। इसमें कोई ज़्यादा सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपको कुछ काम नहीं आता है, आप फ्रेश हो तो आपको सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वीडियो में, अभी आगे कंटिन्यू रहेगा मेरा वीडियो, मैं आपको कैसे कैसे रीड एंड राइट होता है काम वो मैं आपको बताऊंगा। तो एकदम इजी टू यूज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए प्लस प्लस क्वालिटी की हम डिवाइस सेल करते हैं। और ये डोंगल है नई वर्जन की। और दूसरा ये बता दूँ कि कोई भी भाई ओल्ड वर्जन है उसको न्यू वर्जन में अपडेट ना करें। सेफ मोड बता देता हूँ, कुछ लोग ने अभी क्या है एडे चाले चालू किए ले, तो वो लोग ने क्या किया है नए नए अपडेट दे देते हैं और उसकी डिवाइस ख़राब हो जाती है। मैं बताता हूँ, चलती है उसकी चलती है डिवाइस, बाकी डिवाइस डैमेज हो जाएगी, ये वाली डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो मैं विनती करता हूँ कि उसको अपडेट ना करें। ज़्यादा अपडेट कुछ नहीं आया है, फॉरेन की गाड़ियों का अपडेट ज़्यादा रहता है। अपनी गाड़ियों का जितना काम होना चाहिए उतना ही काम हो रहा है, उसमें कुछ नया काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भाई भी लेना चाहता है परचेस करना चाहता है, अच्छे रेट में अवेलेबल है, फुल स्टॉक है। जितना टेबल पे आ सकता है उसमें मैंने रखा है, बाकी मेरे पास फुल स्टॉक है। हमारी दिल्ली वाली ब्रांच से भी आपको डिलीवरी मिल सकती है, गुजरात वाली ब्रांच से भी डिलीवरी मिल सकती है। तो आपको जिसको भी चाहिए मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन सपोर्ट हम करा देंगे, सिखा देंगे। हमारी वीडियो अभी आगे है, उसमें दिखाएगा कैसा काम करता है, वैसे ही आपको काम करके करना है। नई वायरिंग डायग्राम बहुत सारी आ गई है, बहुत सारी इंडियन गाड़ी के वायरिंग डायग्राम मिल जाएंगे, उसके साथ फ्री में मिलेंगे, ठीक है। जितने हमारे पास है उतने मैं आपको दे दूंगा। नए डायग्राम कैसे बनाना है जो मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको जो मेरे से लेगा उसको मैं सिखा दूंगा कि ये कैसे बनते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो जो भाई भी हमारे से परचेस करना चाहता है, अच्छे रेट में अवेलेबल है, कोई चीटिंग नहीं कोई फ्रॉड नहीं। फ्रॉड वेबसाइट पे ध्यान रहे, 1-2 हज़ार के लिए इधर उधर मत जाए। मैंने बहुत अभी किस्से सुने हैं, यही डिवाइस के कुछ सस्ते में बताते हैं पैसे, फिर पैसे ले लेते हैं माल नहीं आता है, फिर वेटिंग एंड वॉच, फिर वेट करो वॉच करो, लॉकडाउन है ये डाउन है फलाना धिमका जो भी है बोलते रहते हैं। हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। जब हमारे पास माल रहता है तभी हम उससे पैसे लेते हैं और माल देते हैं, वरना हम उसके पैसे भी नहीं लेते हैं। इतना हमारा काम 100% है।
किसी के साथ हम चीटिंग फ्रॉड नहीं करते हैं। कुछ सेलरों को भी बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ भाई, अब जो गलत है तो गलत है, लोगों के साथ चीटिंग और फ्रॉड नहीं करनी चाहिए। और फेक वेबसाइट ज़्यादा है, 1-2 हज़ार के लिए इधर उधर मत जाओ, भरोसे वाले आदमी से लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे से लो, हम भरोसे वाले ही है, लेकिन कुछ मार्केट में अच्छे बंदे भी है, अगर आप हमारे से नहीं लेना चाहते हैं, आपके एरिया से लेना चाहते हैं तो बोल दो, हम बताएंगे वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। सारे मार्केट की हम खबर रखते हैं, कौन कितना पानी में है सब पता है हमें। तो अगर आपके साथ चीटिंग नहीं हो जाए इसलिए पूछ सकते हैं, हमारे से लेना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ इंडिया में हमारी सारी जगह पर सर्विस ब्रांच से आपको मिल जाएगा डिवाइस, कोई टेंशन नहीं है, इंस्टॉलेशन काम भी करके सिखा देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। अगर लेकिन जीरो है जो भाई, वो जो इनको टाइम देना पड़ता है उनके लिए जो सर्विस सपोर्ट का चार्ज रहेगा वो रहेगा, लेकिन वो भी हम ट्राई कर रहे हैं कि नहीं लेते हैं, पूरा जीरो ही है, समझ ही नहीं रहे। तो जो हमारा बंदा टाइम बिगाड़ेगा उसके लिए तो चार्ज लगता है, लेकिन हम ज़्यादातर किसी से नहीं लेते हैं। जितना चाहता हूँ मैं ऐसा रास्ता बताता हूँ आदमी को, अपने आप चला जाता है वो रास्ते पर, लेकिन सही रास्ते चलना है, इधर उधर गए तो गिर जाओगे। तो जैसे बताया वैसे आप काम करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आप मेरे को भी फ़ोन करेंगे, खुद आप ही अपना काम आराम से कर सकते हैं, इतना अपना गारंटी वाला काम है। तो जान रहे मार्केट में बहुत फ्रॉड है, 1-2 हज़ार के रेट के पीछे मत भागो, सर्विस क्वालिटी वाला माल लो, है ना, पैसे की कीमत रहती है, 1-2 हज़ार की कीमत नहीं होती है। आप जो इस पे पैसे फेंक रहे हो वो आपकी मेहनत पसीने की कमाई है, तो 1-2 हज़ार के लिए इधर उधर मत जाओ, घूम जाओगे, बिछड़ जाओगे, रह जाओगे। इससे अच्छा ईमानदार लोगों से, ट्रस्टेबल आदमी से लो, मार्केट में बहुत सारे लोग ईमानदार ट्रस्टेबल है, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, लेकिन जो चीटर लोग हैं उससे बेहतर उससे बच के रहो। और फेक वेबसाइट का भी बहुत चला है, याद रहे यही डिवाइस आपको 10 हज़ार में भी दिखाएगा, 5 हज़ार में भी दिखाएगा, आप जैसे पैसे डालोगे फ़ोन बंद हो जाता है, तो सोच समझ के काम करो, समझ गए, ऐसा लालच में मत आओ, कोई भी चीज़ में लालच पे मत आओ, फंस जाओगे, रोने लग जाओगे। बहुत केसेस आए मेरे पास, फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बहुत चीटिंग हुई है हमारे साथ, फ्रॉड हुआ है, सर क्या करें, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, जिनको इनको जानता था उनको बोला कि भाई माल नहीं है तो पैसे वापस दे दे, उनके आ भी गए उनके पास पैसे, अच्छी बात है, उन लोगों ने वापस दे दिए, माल नहीं था तो जान रहे। और किसी भाई को कहाँ से भी टूल लिया हो, याद रहे कहीं से भी टूल लिया, नहीं समझ में आता है इंस्टॉलेशन करना है, बिंदास मेरे को फ़ोन करें, वर्किंग आवर्स में मैं जितना मेरे से होगा फ्री में आपकी हेल्प करूँगा, जहाँ पे मेरे आगे पैसे लगेगा उतना पैसा आपको देना है, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई आपके साथ बेईमानी नहीं, जो लोग मेरे को जानते हैं मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि 1 रुपये का भी मैं इनसे चीटिंग नहीं करता हूँ। कुरियर भी मैंने लॉकडाउन में बहुत लोगों को फ्री दिया है, वो भी स्लिप देख लेना, 1000-1000 रुपये तक के कुरियर भी मैंने फ्री दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ज़्यादातर तो हम फ्री में ही देते हैं कुरियर, लेकिन कहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है कि भाई अभी 200 की चीज़ है और उसको 400 रुपये कुरियर लग गया तो वो अलग बात है, उसका तो जायज़ा लेना पड़ता है, लेकिन बहुत लोगों को हमने फ्री में भी कुरियर दिया है, ऐसी बात नहीं है। और कोई भी भाई कभी भी हेल्प चाहे मांग ले, बिंदास हम हेल्प करेंगे, चीटोरों से बच के रहो, सावधानी से काम करो, कोरोना वायरस सही में आप उसको ऐसा मत समझो कि ये कुछ नहीं है, सोच समझ के चलो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, दुआ करते हैं कि भाई ये कोरोना चला जाए, सबका बिजनेस अच्छा चले, तो क्या है जल्दी से अपनी पटरी लाइन पे आ जाए, अपना इंडिया का बैलेंस हो जावे, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सिटी में भी है तो बहुत ही तकलीफ हो रही है, लोगों को हम देखते हैं तड़पते हुए, तो मास्क पहन के चले, मैं तो अभी अंदर हूँ सेफ में हूँ, इसलिए बाकी मैं बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा के ही जाता हूँ, तो थोड़ा आप अपने आप को भी संभल के रखें। तो अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, रीड एंड राइट के मैं आपको कुछ अच्छे बेहतरीन नमूने दिखाऊँगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो लगने दो, जो भाई को नहीं आएगा उसके लिए अच्छा रहेगा, दुआ देना, बददुआ से हम डरते नहीं है, दुआ से हम लेना चाहते हैं, बस आप लोगों की दुआ चाहिए, अपने को बददुआ तो लगती ही नहीं है, क्योंकि भाई अपने को दुआ देने वाले बहुत है, बददुआ हमने किसी की ली ही नहीं, ये बात अलग है यार, कोई झल रहा है वो दे रहा है तो उसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है, हमने दुआ वाला ही काम किया है, बद्दुआ वाला काम नहीं किया है, तो दुआ में याद। चलो मिलते हैं, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं अभी आपको उसका दिखाता हूँ रीड एंड राइट करके, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, देखना जरूर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, घर पे रहे, सेफ रहे, ज़्यादा काम के बगैर बाहर ना निकले, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।
और जो अपनी गवर्नमेंट करती है वो रूल पूरा फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। वेलकम टू आनंद ऑटो टेक एंड एसके मीटर करोलबाग दिल्ली। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो में कि मैं आपको कुछ ECM रीड एंड राइट करके दिखाऊंगा, कितना फास्ट काम होता है वो देखो। मैं अभी आपको ये PCM प्लस का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से ओपन करना है। जब ये पूछेगा यस और नो, आपको नो देना है। यस दे दिया तो आपका डिवाइस डैमेज हो जाएगा क्योंकि इसको ऑनलाइन नहीं चला सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पास है होंडा का UDC-17 वाला ECM न्यू मॉडल। इसको मैंने कनेक्शन लगा दिया हो, आपको यहाँ पे 2 GPT वायर लगाने हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई देनी है और जैसा ये फोटो में दिखाया है वैसा ये आपको यहाँ से कनेक्शन लगाना है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद यस देना है। यस देंगे तो पास सिक्योरिटी आ गया। ये अभी ये जब स्टेप आ गया था समझ लो आपका सब वायरिंग सब सही है, बाकी सब आपका कंप्लीट। अभी हम इसको रीड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा रीड एंड राइट करके आप यहाँ से सीधा इसको रीड कर सकते हैं। अभी ये फ्लैश रीड हो रही है, मैं यहाँ से यस दूंगा। पावर सब सही होना चाहिए, पावर भी दिखा रहा है, इधर आ गया 12 वोल्ट। तो ये कितना फास्ट काम होता है मैं आपको बताऊंगा, रीड एंड राइट करके भी दिखाऊंगा सब चीज़। तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और जो भाई को जा लेना है तो विथ सपोर्ट मिलेगा आपको। सारे फ़ोटो भी है हमारे पास कनेक्शन के, अगर किसी भाई को कनेक्शन लगाने में प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉकेट भी दे सकते हैं, सॉकेट भी अवेलेबल है फुल स्टॉक में। तो जो भी भाई हमारे है हमसे लेना चाहता है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। इतना फास्ट होता है, खाली केटेक के जैसे ही आपको ये लगाना है बिना खुले ECU रीड एंड राइट होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सपोर्ट के पैसे नहीं देने हैं। जो मेरा वीडियो है वो देख देख के आप काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये देखो इतना फास्ट चल रहा है ये। बाकी क्या है, लोग आजकल डिवाइस बेचते हैं और सपोर्ट देने के, फाइल देने के, ये देने की कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। अगर होंडा ये है मेरे पास MH का ECM, तो इसका ECM में जो फाइल लगेगी वही लगेगी। मैं दूसरे ECM की इसके लेने जाऊंगा तो कहाँ से लगेगी, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग की मैटर आएगी, आपको ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। वर्जिन है तो सही है, अगर किसी भाई को पूरा जीरो ही है तो सपोर्ट के पैसे ले सेलर तो सही है, लेकिन अभी इसमें क्या सपोर्ट, ये तो एकदम इजी टू यूज़ हो रहा है काम आपका, आपको कोई इसमें सपोर्ट के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखो, काम कर लो, क्लियर वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको महिंद्रा का EDC 63 और 1755 और 1763 दोनों ही रीड एंड राइट करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी ये फ्लैश रीड होने को आ गया है। इसके अंदर ये हो गया रीड, ये हम डेस्कटॉप पे इसकी फाइल सेव कर देंगे। मैंने सेव कर दी। अब मैं इसको आपको बताऊंगा EPROM। अब हम इसकी EPROM रीड करेंगे, डायरेक्ट ही रीड करना है, एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया उसके बाद बार बार करने की जरूरत। ये रीड यस, ये हो गया आपको सेव। अब मैं इसको दोनों को आपको राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ओपन करना है। पहले हम फ्लैश कर देंगे उसको राइट, ये कर दिया हमने राइट, ओके देना है। फटाफट फास्ट ये हो गया ओके, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फ्लैश, इसके अंदर जो MCU है वो 1782 वाला है,
इसको हम यहाँ से वापस फाइल ओपन करेंगे फ्लैश वाली, ये हमने कर दी फ्लैश, ये होंडा ओपन, यहाँ से राइट, यस देना है, कोई इधर छेड़खानी नहीं करनी है कुछ भी, यस ओके, चेक सम यार करें कंटिन्यूस, ये हो गया वेरिफिकेशन, ये हो गया सक्सेसफुल। तो ये हो गया अपना होंडा का अमेज बिना खुले रीड एंड राइट, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं, फटाफट, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कनेक्शन लगाओ, रीड करो, राइट करो, 5 मिनट के अंदर आपका काम फिनिश। थोड़ा मैं वीडियो को यहाँ पे रोकूंगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ महिंद्रा का, बने रहे हमारे साथ वीडियो में, महिंद्रा का भी आपको मैं पूरा क्लियर से बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम ये करेंगे EDC 17C 55, 17C 67 इसमें MCU है, जैसा कि मैंने बोला PCM प्लस को ओपन करना है, ओपन होने के टाइम यस नहीं देना है, यस दे दिया तो भूल जाना, डिवाइस चालू नहीं होगी, बंद हो जाएगी, नो देना है। इससे पहले आपको एक डोंगल लगानी पड़ेगी, मैं लास्ट में बताऊंगा, GPT के वायर लगाने हैं, कनेक्शन लगाना है, पावर केबल लगाना है, बस इतना ही लगाना है। इसको हम अभी आइडेंटिफिकेशन करेंगे फ्लैश के अंदर, यस देना है, ये हो गया कंप्लीट, ये यहाँ से रीड, यस, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं, ज़्यादा सोचने का नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, फटाफट काम होता है, फटाफट काम चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। कि अगर किसी के पास, भाई के पास फाइल नहीं है तो कोई भी फाइल के पैसे मत दो आप, फाइल कोई भी गाड़ी पकड़ो, बिना खुले ECM रीड एंड राइट करो, कोई टेंशन नहीं है। समझ लो कि अगर आपके पास ये मॉडल की गाड़ी नहीं है, ECM ही नहीं है, तो कोई गाड़ी की फाइल उठा लो महिंद्रा की, उसमें डाल दो, वीन नंबर चेंज करो, गरुड़ा पाइथन या कोई भी दूसरे डिवाइस से आप उसको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करा लो, हो गया आपका काम, महिंद्रा का प्रॉब्लम सॉल्यूशन 100%। ECM चेन फटाफट 5 मिनट में रीड होता, 5 मिनट में राइट होता, एक ECM वायरिंग लगाने के लिए 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, हाथ बैठ गया तो आपका क्लियर बात। अभी ये ECM फटाफट रीड हो रहा है, 70% हो गया है। तो जो भाई को चाहिए अवेलेबल है फुल स्टॉक, कोई टेंशन नहीं, वीडियो देख देख के आपको काम करना है, नहीं समझ में आया तो हम तो है ही, ये हम कर देंगे डेस्कटॉप के ऊपर फ्लैश, महिंद्रा फ्लैश, ये हो गई हमारी सेव, ओके, ये हम यहाँ से करेंगे अभी इसकी प्रोम, इधर रीड करेंगे, यस, फटाफट काम होता है, 5 मिनट में आपका ECM रेडी, ये हो गया इप्रोम महिंद्रा सेव। अब मैं आपको राइड करके भी दिखाऊंगा, यहाँ से हम करेंगे पहले इप्रोम, क्योंकि अभी इप्रोम सिलेक्ट है, कहाँ गया ये महिंद्रा वाली, ये ओपन, ये राइट, अगर डिवाइस ने ड्राइवर छोड़ दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, तो हम वापस उसको करेंगे रीड, नहीं हुआ, देखो ऐसा कभी प्रॉब्लम होता है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से उसको बंद कर दो, क्लोज द प्रोग्राम, रिफ्रेश, इन प्रोसेस, ये अभी आपको सीखने का मिलेगा, अभी कभी ऐसा होता है तो यहाँ से वापस इसको ओपन करो, नो देना है, फ्लैश फाइल हम सीधा ओपन कर लेंगे, ओपन,
राइट। आइडेंटिफिकेशन दिया नहीं है, शायद हो सकता है रुक जाए अपना काम, तो देखते हैं अभी क्या होता है। एरर तो नहीं मारा है, सॉरी वो मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया था तो बंद करके चालू हुआ, ये मैंने फ्लैश ओपन कर दिया, ये ओपन और ये राइट, यहाँ से ओके देना है, चेकसम करेक्ट, ये हो गया कंप्लीट, इसको ओके दे दिया। अब यहाँ से हम इप्रोम करेंगे, यहाँ से सॉरी मैंने गलत फाइल डाल दी थी, मैंने ओपन नहीं की थी प्रॉम, तो जल्दबाजी में भी थोड़ा काम नहीं करना है। ये एम लिखा है प्रॉम, ये ओपन, ये हो गया राइट, इसको कर देंगे ओके। तो बहुत ही फटाफट काम होता है। सॉरी वो बीच में मेरे को रोकना पड़ा, मेरा लैपटॉप वो हैंग हो गया था, पता नहीं तो क्या है, हैंग हो गया तो वापस बंद करके चालू किया, आपको रीड एंड राइट करके दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा महिंद्रा का EDC 70C63, ठीक है, कैसे वायरिंग देने हैं इसके, और दोनों के वायरिंग डायग्राम सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे इसको रोकता हूँ वीडियो को, कनेक्शन लगा के 2 मिनट में वापस आपके सामने हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन आनंद ऑटो टेक एंड एस के मीटर करोल बाग दिल्ली। ये जो वायरिंग है ना 87-55 और 87-63 दोनों के वायरिंग सेम ही है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ 2 मिनट से ज़्यादा वायरिंग लगाने में टाइम नहीं होगा, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही वायरिंग है, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे वायर लगाना है आपको। मिनिमाइज़ करते हैं इसको, हम फ्लैश रीड करेंगे, इसमें आएगी 87-24 या आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से आपको यस देना है, सिक्योरिटी पास हो गया, यहाँ से हम रीड देंगे, यस देना है वापस, फटाफट रीड होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फास्ट काम। आप अपने आप को क्या पावरफुल बनाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, एकदम इजी टू यूज़ है। एक दो बार ECM कर लिया फिर सारा काम आसान है। बहुत लोगों को हमने टूल दिया है और फिर अपने आप भी वो कुछ कुछ गाड़ियों के कनेक्शन निकाल लेते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उनको हम सैल्यूट करते हैं जो भाई ने खुद अपने आप वायरिंग डायग्राम बनाते काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ऐसे ही आप लोग जो लेके परचेस करेंगे वो भी आप अपने आप को मजबूत करो। मैंने ये वीडियो बनाया है खाली बस एग्जांपल के लिए कैसे काम होता है फास्ट, कोई टेंशन नहीं है, कोई सपोर्ट सर्विस के पैसे नहीं है, लेके जाओ। हाँ अगर आप जीरो है, अगर आपके पीछे टाइम बिगाड़ेगा कोई आदमी तो उसको सपोर्ट के पैसे देने जायज है, लेकिन अगर आपको काम आता है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये सपोर्ट वो सपोर्ट, तो वो सब पैसे नहीं देने आपको, एकदम इजी टू यूज़ है भाई काम, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, एक नंबर काम है। ये हो गया, रीडिंग होने को आया है, ये हो गई है फाइल हमारी, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लैश, ये सेव कर दी, करेक्ट ओके, ये हम इप्रोम भी रीड कर लेंगे, यस। देखो इतना आसान है काम, ये हमने एम इतना आसान है, फटाफट काम हो गया। यहाँ से मैं वापस इसको राइट करनी है तो आप कोई दूसरा अपना ECM लगा के भी आप राइट कर सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल के लिए वीडियो बनाया हूँ। आप दूसरे कनेक्शन देके यहाँ से ओपन करना है,
फाइल सिलेक्ट करनी है 1724 ओपन राइट यस हो गई आपकी प्रोम राइट। यहाँ से सिलेक्शन घुमाना है आपको, फ्लैश में लेके जाना है, यहाँ से फाइल आपको ओपन करनी है 1724 ये आपकी हो गई फ्लैश, ये ओपन, ये आपको यहाँ से करना है राइट ओके टेक्स्ट मार कर यस। इतना फास्ट काम होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। डिटेल्स में हमारा नाम नंबर है, कोई भी भाई को लेना चाहता है, एकदम इजी टू यूज़ है, तो हमें कांटेक्ट करें, अच्छे रेट में आपको देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।